देखु एवं मुझे मो फेस को पूरा धोई आसी क्लीन कर मुझे किसी बाहर फेस वाश यूज करनी घर फेस वाश यूज करती जहाँकि मुँह सहित आज सेयार करी किपर आप घर शीत दिन निजपाई फेस वाश बन पारे जहाँकि आपण स्किन को ये बढ़िया कर आपण स्किन को ये सफ्ट स्मूथ बन कि आप खुशी होते कौन होता है शीत दिन आपत बाहर मार्केट रू कि भी फेस वाश यूज करते यहाँ आप स्किन अधिक ड्राए हो जाए स्किन बहुत ही फाटी जाए रुख सूक्ष हो जाए कि घरे किपर भाव आप फेस वाश यूज करेंगे बनई यूज करेंगे जहाद्वारा आपण स्किन से सब प्रोब्लम्स आसवन बर शीत दिन भी आपण स्किन आहुरी अधिक बहुत ही सुंदर गोरा हे आहुरी अधिक ग्लो कर कारण शीत दिन देखि आपण स्किन बहुत ही ड्राए हो जाए डैमेज हो जाए ग्लो पूरा कड़ा हजि जाए कि फेस वाश को यूज करने द्वारा आपन को यह सब प्रोब्लम्स हेनी शीत दिन भी आपण स्किन आहुरी अधिक रु अधिक ग्लो कर आहुरी बढ़िया आपण को आपण स्किन इम्प्रूव देखा तो कौन केमी कर सब भिडियो मुझे डिटेल्स कहबी आज मुझे तीन प्रकार फेस वाश बन देखेबी जहाँकि आप देखिए तो सब स्किन टाइप लोक मैंने यह यूज करेंगे ऑयल स्किन हो नॉर्मल स्किन हो सेंसिटिव स्किन हो सब स्किन टाइप लोक मैंने यह यूज करेंगे आउ सांग माने होम रेमेडी सब बहुत बहुत भल आपण स्किन बहुत भल जो थे भी किसी भी टिके भी आम केमिकल्स यूज करें टिके किसी भी प्रिजर्वेटिव ना जहाँकि आपण स्किन को खराब कर बर यह लगे आपण स्किन आहुरी अधिक रु अधिक दिन कु दिन आप देखिए आपण स्किन के ग्लो आसो के इम्प्रूव देखा ठीक अच्छे गोटे बहुत बढ़िया फेस वाश शीत दिन आज आम बनवा आ जो बड़े निजे आम निजपाई किसी जिनस बनई कि यूज करते तार खुशी तो आहरी गोटे बहुत बढ़िया मिलता है बहुत बढ़िया लगी था जिते आम निजपाई किसी जिनस बन निज अनुसार स्किन टाइप अनुसार बनई था स्किन अकॉर्डिंग प्रोब्लम्स जो आप स्किन किसी भी प्रोब्लम्स अच्छी से अनुसार बनई था तो बहुत ही बढ़िया लगी था तो अधिक कथानी कि आउ डेरी करें चलूँ तो जल्दी जल्दी देखी ना ये जो फेस वाश आम शीत दिन किपर बनवा कारण सांग मैंने शीत दिन आउ खरा दिन सब सीजन अलग अलग होता है शीत दिन अलग किसी स्किन आपंकर स्किन केयर रुटीन अलग होता है आ खरा दिन तो स्किन केयर रुटीन अलग होता है तो शीत दिन आज आपको बहुत आगुक बहुत सारा रेमेडी सेयार करी आप देखिए जहाँकि आपँक बहुत हेल्प कर शीत दिन आपण स्किन ने ग्लो आने आप स्किन के इम्प्रूव करने मोर सब बड़ लक्ष्य कि सांग मैंने आपण पैसा को बचापाई आप मार्केट में एत सारा केमिकल्स एत सारा जो खराब जिनसा कि सारा पैसा बर्बाद करते तो गोटे करवा दरकार नहीं घर आप बहुत अल्प खर्च मैंने ते अल्प टाँग खर्च कर मार्केट ठू बहुत ही अधिक बहुत ही भल जिन आप निज स्किन यूज करेंगे जहाँकि आग को आपण स्किन को मोटे भी खराब होगा देवनी मार्केट जिनस यूज करेंगे संगे संगे तो आपको स्किन ने आप ग्लो पाइबे कि धीरे धीरे देखिए पर आप ना छमास वर्षे पांच वर्ष पर धीरे धीरे आपण स्किन को डैमेज कर स्किन खराब होगा हो चल आते भी आप किसी करें कि आप होम रेमेडी यूज करेंगे धीरे धीरे आपण स्किन को आहरी अधिक रु अधिक भल कर चलो खराब नुहे भल कर चलो तो भावंतु सांग मैंने कौन यूज करेंगे कौन यूज करेंगे जहाँ आप स्किन को खराब करना जहाँ आप स्किन को आहरी अधिक रु अधिक भल कर आपको होम रेमेडीज रेजल्ट मिले टी डेरी हो पाए कि रेजल्ट आपको सबुदिन पूरा चिरादिन आप स्किन रहा जहाँकि आप स्किन को आहरी अधिक रु अधिक भल कर तो आपण भावंतु आप कौन यूज करेंगे तो सांग मैंने आउ डेरी करें जल्दी जल्दी चलतु आज रेमेडी आम स्टार्ट कर ना तो प्रथम फेस वाश को बनवापर देखते मैं गोटे ग्राइंडर जार नहीं एकाथर मो ग्राइंडर जार यहाँ बनईनेबी एक सब स्किन टाइप लोक मैंने यूज करेंगे ऑल स्किन टाइप अटे यहाँ तो एमें नहीं ना 4 चामच महु हनी हनी कौन कर हनी रही सांग मैंने बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट जहाँकि स्किन को मॉइश्चराइज करने सहित स्किन को हील भी करता है रिपेयर भी करता है आपण स्किन को बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ बनई था हनी तो 4 चामच हनी देखो यहपर मुझे एकाथर ग्राइंडर जार नहीं कारण ए सब जिन एकाथर मिक्स कर ग्राइंडिंग करे तो जहाँफल आमको सुविधा हम यहाँ बनवाईपर सेकेंड जिनस जोड़ा यूज करवा ग्लिसेरिन ग्लिसेरिन तो सांग मैंने शीत दिन बरदान अटे जदि आप ग्लिसेरिन ना तो ये आपत मार्केट रू गए ग्लिसेरिन कि बहुत ही अल्प टाँचा कि यार कम बहुत ही बड़ तो देखते ये ग्लिसेरिन ने तो ये मुझे नेबी 2 चामच ग्लिसेरिन जदि सांग मैंने जदि आप स्किन बहुत ही ऑयली अच्छी आप भाई जदि आप स्किन बहुत ऑयली तो आप 2 चामच बदल गोटे चामच ग्लिसेरिन यूज करेंगे आज मानकर नॉर्मल स्किन ड्राई स्किन से 2 चामच ग्लिसेरिन यूज करें
ग्लिसरीन आपण स्किन को सॉफ्ट स्मूथ कर हाइड्रेट रखे बहुत ही भल और देखो आम नहीं बादाम रोगन जोटा कि आलमंड ऑयल खाइबा ऑयल ने मुंडो जोटा हेयर ऑयल आप यूज करेंगे जो ऑयलटा को आप खाई तो देखो यहीपरी ये आम नहीं गोटे चामच दुई चामच आलमंड ऑयल दरकार पड़ो जदि आपन स्किन ड्राए जदि ऑयली अच्छे आप स्किन तो आप गोटे चामच आलमंड ऑयल गोटे चामच रु आउ कम भी करेंगे ठीक अच्छे जदि आप आलमंड ऑयल ना जदि ऑलिव ऑयल अच्छे आप पारे नड़िया तेल मुझे कहूनी कारण नड़िया तेल शीत दिन टे बस आपड़ी विटामिन ई ऑयल भी चाहिए भी नहीं पारे तीनो ऑयल को आपड़ जहाँ पाखे अच्छे आपको यूज करेंगे जदि ऑयल स्किन ऑयल क्वांटिटी कमे जदि ड्राए स्किन ऑयल क्वांटिटी टी बढ़े और तापर जो जिनस एड करवा कॉफी तो अध चामच ये आम नहीं ना कॉफी पाउडर आलमंड ऑयल आपन को स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनेब ड्राइनेस को दूर करने सहित स्किन ने ग्लो आठ कॉफी को करिबो कॉफी आपन को स्किन को गोरा उज्जवल चमत्कार बनवा सहित कॉफी आपन को ब्लेमिशेस को दूर करिबो कॉफी एंटी ब्लेमिशेस प्रॉपर्टीज रही स्किन सब प्रकार दाग धोबा पिगमेंटेशन मिलाज्मा ब्लेमिशेस को दूर करने बहुत भल सहित आम ये नहीं ना दुई चामच एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल सांग मोर बहुत प्रिय सबुद्रे मुझे एलोवेरा जेल आड करता है आप एलोवेरा जेल निहाती यूज करते एलोवेरा जेल आप स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनइब ग्लोइंग बनइब दाग धोबा को दूर कर सब जिन देखते भल से ग्राइंडिंग करने तो देखते सब कुछ मोदी भल से पूरा ग्राइंडिंग करके समय जहाँफल भल से पूरा मिक्स हो तो देखो ये आम सुंदर बढ़िया से रेमेडी बनी रेडी है रुंतु रुंतु ये पूरा आम कंप्लीट है तो आपड़ कुआ चल जाऊँच तो ये फेसवाश को आपड़ जब यूज करा चाहिए तो करेंगे ना तो आप कौन करेंगे आपड़े आपण फेवरेट फेसवाश जहाँ आप यूज करते दुई चामच आप एड करेंगे ना तो आप बेबी शैम्पू बहुत ही माइल्ड होता है बहुत ही भल होता है स्किन बेबी शैम्पू जदि अच्छी आप दुई चामच एड करेंगे ना तो आप फेवरेट आप फेसवाश जहाँ आप यूज करते दुई चामच ये आड करे तो टाटा सांग मैंने आमर ये बहुत ही बढ़िया मार्केट रे खोजले भी आप फेसवाश पाइबे एत बढ़िया फेसवाश आम बनी रेडी हो जाए आपर व्रण अच्छी पिंपल्स अच्छी तो आपड़े गोटे चामच अध चामच निंब पाउडर भी आड करेंगे भल से मिक्स करेपर गोटे बोतल भर्ती कर रखने ये देखते ये मुझे आलमंड ऑयल खाली बोतल मुझे काच बोतल स्टोर कर नहीं आप जहाँ भी पुराणा बोतल अच्छी आपड़े स्टोर कर रखिए फ्रिज रखा दरकार नहीं आप बाहर रखिक यूज करेंगे तो यूज किपर करेंगे जो यूज करेंगे भल से मिक्स करने हलई ने अल्प हाथ में बाहर करने देखो कते सुंदर भी फेण आसूसी आपण स्किन को बहुत ही स्मूथली बहुत ही सॉफ्टली यह क्लीन करदेव देखो फेस को भल से जपरी आप फेसवाश यूज करतापर फेसवाश करे नॉर्मल फेसवाश जो यूज करते बहुत अधिक फेण बाहर था कि ये जो फेसवाश आम यूज करवा फेस बेस फेण बाहर से आप स्किन को बेस ड्राए करनी बेस फेण बाला आप फेसवाश यूज करेंगे शीत दिन तो आप स्किन बहुत ही ड्राई हो तो यहीपर भल से देखो जपरी आप नॉर्मल फेसवाश करतापर भल से पूरा मसाज करने नाक पाखापाखि जगह मसाज करने तो यहीपर मसाज कर फेस को धोने तो ये आउ गोटे कथा मुझे कहबी जदि आप स्क्रबिंग करने को टाइम पा ना सब स्क्रब करने आप टाइम ना कि शीत दिन तो स्क्रबिंग निहाती दरकार नहीं तो आप जो डेड स्किन जो मल मृत कोशिका आप स्किन जो रही तो आप स्किन गोटे सुंदर देखा तो आपरी भल फेसवाश करने देखो तो यहीपर मसाज करने कौन करेंगे आपने गोटे रूम आउ गोटे टावल ताको भल से ओदा करने गोटे सॉफ्ट बेसी हार्ड टावल ने जो फेस टावल आम फेस पाई आसता है से फेस टावल ने टे ओदा करने ओदा करके गोटे टावल आखिरी गोटे फेस टावल नहीं आसपे फेस टावल तो प्राय समस्त पाखे थी आगे तो समस्ते फेसवाश मुहर मारी तापर टर्किस घसुले कि प्राय से पूरा उठीगला कि साहती दरकार कारण आपण स्किन जो जो मृत कोशिका रही डेड स्किन रही स्किन भितर ग्लो कर पार्बानी आपंकर जो नुआ स्किन बाहर को आसी पार्बानी तेणु शीत दिन बहुत ही ड्राए हो स्किन आप स्किन मृत कोशिका बहुत ही जल्दी आसता है आ शीत दिन कौन होता है आमको बहुत अलसुआ लगी था तेणुक आमको स्क्रबिंग एत सारा स्टीम एत धंदा करने बहुत अलसुआ लगी था तो आप फेस जो फेसवाश कर सबुदिन ट्राए करेंगे भले से फेस को मसाज करेंगे फेसवाश्रे तापर यहीपर गोटे टावेल ने ओदा करने धीरे धीरे हाल्का हाल्का यहीपर ताक मात्र किसी सेकेंड पर भल से मसाज करदे देखो ये टावेल यहीपर भल से मसाज करने द्वारा आपण मृत कोशिका पूरा उपरू बाहर जा आखि तौक बेस जोर दलवे यहपरी गाल
ठीक आक उपर जो आपर ब्लाकेट्स आ ह्वैट हेयर्स आसवर संभावना अधिक थाए तापर मसाज कर ने सबुआ भल से यहपर टे घसी देव घसी ने जोटा आम घसी घसी गाधवा कही था देखते बेक सबुआ ये घसी ने बेस समय करें बेस जोर भी करें आई जो रुमाल टावलटा देखते बेस हार्ड ना कि बेस सफ्ट ना यही रुमालटा प्राय समस्त पाखे थी यहाँ फेस टावल घसवाप समस्त यूज करते बड़ी क्लीन करने भल से आपको ओदा कर भले से हीपरी मसाज करने यादारा आप सब मृत कोशिका पूरा क्लीन हो फेस पूरा क्लीन हो अलग से किसी भी स्क्रबिंग दरकार ना आपंक स्किन बहुत ही भल रखें मसाज करने और फेस को धोई ने मुझे फेस को आपँ धोक देख पूरा क्लीन करने पूरा धोई नहीं ये फेस व्वाश को यूज कालापर देखिए कौन आप जो मार्केट फेस व्वाश यूज कर मुह धोई सारापर पूरा हार्ड हार्ड पूरा टाइट टाइट टाण टाण लगी था कि फेस व्वाश को यूज कालापर आपको से प्रोब्लेम से प्रोब्लेम से हेबन मैंने जदि आप स्किन ड्राई न हो तो आप स्किन फाटबन रिंकल्स आसबन आपण स्किन बहुत ही सॉफ्ट आ स्मूथ रही ग्लोइंग हे ठीक है देखने टॉवल आप फेस को पोछी नहीं आप टोनर यूज करें और मॉइश्चराइजर निहाती अप्लाई करने ठीक है तो ये आम सेकेंड फेस व्वाश एवं बनवा जो मानकर बहुत ही ऑयल स्किन जो मान भाँच आपो फेस व्वाश मुझे प्रथम देखेली आपड़ यूज करें आपण स्किन में जो बहुत ही व्रण अच्छी पिंपल्स अच्छी दाग दबा अच्छी तो से आपड़ कौन करेंगे आपने दुई चामच ये नहीं मुलतानी मिट्टी से नहीं दुई चामच बेसन खाली मुलतानी मिट्टी केवे भी आप शीत दिन यूज करें और से गोटे चामच निम पाउडर आप मार्केट नहीं पारे निम पत्र सुखे कि गुंड करके भी यूज करें जदि तुलसी पत्र गुंड अच्छे आप यूज करें गोटे चामच कॉफी पाउडर ये सब जिनस भलेसे मिक्स करेंगे मिसई ने अध चामच हल्दी पाउडर सब कस्तूरी हल्दी गुंड व्वाइट टर्मरिक यूज करूँ जहाँकि आपं स्किन बहुत ही भल आ पिंपल्स दाग दबा के दूर करने बहुत ही भल कम करें भलेसे मिक्स करने गोटे कंटेनर एयरटाइट कर रखने जिते बड़े आपको फेस व्वाश कर जो मर अएल स्किन जो मर पिंपल्स व्रण आसूसी जो मैंने अएल यूज करने चाहूना सेमती तो अएल जो प्रथम मुझे देखेले सब स्किन टाइप लोक मैंने यूज करेंगे जदि भी आपको पसंद ना आप स्किन बहुत ऑयली तो आप जो मिश्र आम बनइले तो यूर आप गोटे चामच बाहर करने मिसई ने कंचा क्षीर मिक्स करने भल से फेस फेस लगे फेस नर्माल फेस व्वाश कर करने जदि क्षीर ना आपड़े रोज व्वाटर गोलाप जल भी मिसाई ये फेस व्वाश करेंगे जदि भी एपरी भी नकरा चाहूँ तो आप कौन करेंगे तो प्रथम जो मुझे जो फेस व्वाश एवं बनई देखेली तो से ही फेस व्वाश्रु आप अल्प टिके नहीं ने तो देखो यहीपर जो फेस व्वाश मुझे आप बनई देखेली से ही फेस व्वाश्रु आप अल्प टिके नहीं ने ये जो पाउडर आम बनई सब जिन मिक्स कर तो ये पकईने अल्प टिके पानी देदे भलसे हाथ में मिक्स करने टाण टाण आम एत बढ़िया फेस व्वाश बनई आपण स्किन को ना बेस ड्राए कर ना बेस आपण जो अएल थी ताकू भी दूर कर स्किन को बहुत बढ़िया बन आपंक फेस भलसे पूरा मसाज करने जपरी आप नर्माल फेस व्वाश करतापरी मसाज करने नाक पाखापाखी जगह सब भलसे मसाज करेंगे मुझे कही था ये ब्लाक हेड्स व्हाइट हेड्स होवार संभावना थाए ये भलसे मसाज करने फेस भलसे मसाज करने देखु बेकर भी आप मसाज करें जपरी आप नर्माल फेस व्वाश यूज करतापरी मसाज करेंगे आम सब जहाँ मिसाई मुलतान मिट्टी बेसन यह एक नेचुराल क्लींजर अटे आपण फेस को क्लीन करने सहित सब डेड स्किन को बाहर कर स्किन को पूरा नेचुराल ग्लो आपण फेस में बहुत ही सुंदर फेस व्वाश यही शीत दिन आप स्किन को बहुत ही ग्लोइंग कर तो यहीपर देखते भल से फेस व्वाश कर फेस को आपड़ धोईने मसाज कर नापर फेस को धोई ना देखो मो फेस को पूरा धोई आ फेस देखो के क्लीन क्लीयर लगुच तो देखो यहीपर आप भी क्लीन क्लीयर फेस पापर ये फेस व्वाश यूज करी आप्रण थी थी किसी भी प्रकार दाग थोड़ा थोड़ा भी दूर होपंक फेस शीत दिन भी मोटे फाटबन आपण स्किन में ग्लो भी आसब तो बहुत गोटे बढ़िया फेस व्वाश आपति ट्राए कर देखिए तो एबे आमे बनेबा तृतीय फेस व्वाश जहाँपाई आपको दरकार दुई तीन चामच मात्र कंचा क्षीर यही तीन चामच कंचा क्षीर से आपण को फेस को धोबार अच्छी तो किपर धोबे तो यही जो कंचा क्षीर ना सांग मैंने रही लाक्टिक एसिड जहाँकि आपण स्किन को गोरा कर सब प्रकार दाग धबा को दूर कर आंटी एजिंग तो बहुत ही बढ़िया ना रिंकल्स आसो ना फाइव प्लांट्स आसो आपन को बाहर मार्केट किसी भी प्रकार आंटी एजिंग क्रीम दरकार पड़बनी फेयरनेस क्रीम दरकार पड़बनी एत बढ़िया यह सहित आप फेस क्लीन भी हो कारण क्षीर एक नेचुरल क्लींजर अटे ए बुड़े ने गोटे कॉटन पैड और यह देखो यहीपर क्षीर से आप कॉटन को डिप कर फेस को क्लीन करने
सांग माने ए जो कॉटन ने ए जो क्षीर को आम एपरी फेस वाश भाव यूज करें मोर सबुठ प्रिय मत बहुत ही भल लगे आ शीत दिन सारा मुझे क्षीर को बहु पूरा टोटाल दिन में तीन चार थर भी यूज करें रातिर शोवा पूर्व मुझ मस्ट यह यूज करें आप क्षीर किसी भी नमिशाए खाली क्षीर आनी फेस को भल से क्लीन करनी और 5-10 मिनट फेस छाड़ दिए 15 मिनट छाड़देव आदि भी चाहिए अधिक समय छाड़देव आप जहाँ कम करने क्या करते फेस दाह रही थोड़ा शोवा पूर्व फेस को धोईदेवे देखिए आप स्किन आ किसी भी मॉइश्चराइजर भी दरकार पड़े स्किन मोटे भी फाटबनी स्किन आपर ग्लो कर दाग दवा दूर हे आपण स्किन को गोरा करने क्षीर सबुठ बहुत बहुत भल कम करें आगुरी मुझे आपको बहुत सारा रेमेडी कही आपण मैं जी किसी जिन करने को चाहूना तो यहीपर जब क्षीर आपड़ा यूज करेंगे ना देखिए आपण फेस गोटे नेचुराल ग्लो आसो आदि आप बाहर को जाऊना आपण स्किन में बेसी डॉट बेसी अपरिष्कार ना तो आप खाली यहीपरी क्षीर से फेस वाश करूँ अल्प क्षीर नहीं अल्प टी बेसन भी मिसे फेस मारे धोईपारे आदि समय ना खाली भी क्षीर धोईपारे कारण रात भल से फेस को क्लीन कर सोता सकाल तो आम फेस किसी भी अपरिष्कार किसी भी डॉट न था तो आप करेंगे अल्प टी क्षीर आनेपरी फेस भल से क्लीन पोछी ने समय जदि थी 5-10 मिनट रखिए ना तो आप फेस को यहीपर पोछीपर धोईने किसी आउ अलग से किसी जिनस यूज करवा दरकार नहीं देखिए आपण फेस के सुंदर रहा जदि आप स्किन बहुत ही ड्राई थी आपड़ मलाई बाला क्षीर यूज करेंगे मैंने क्षीर आनी सारापर टे समय थोदेव क्षीर को क्षीर जगार देखिए उपर उपर गोटे बहलिया क्रीम टाइप आसी जाइए तो से उपर उपर आप अल्प टे कंचा क्षीर आनी यूज करेंगे देखिए आपण स्किन के बढ़िया हे आप क्षीर सर रखिदेवे टी कंचा क्षीर नहीं आसवे आए क्षीर सर से मिस करेंगे और फ्रेस लगे जदि ड्राए स्किन क्षीर सर दरकार मलाई दरकार जदि नर्माल स्किन आपंकर अएल स्किन नर्माल स्किन आपरी खाली मलाई बाला क्षीर भी यूज करें मलाई वाला क्षीर मैंने खाली नॉर्मल क्षीर जो थी क्षीर सर बाहरी नौ क्षीर सर आपको आड करवा दरकार ना खाली नॉर्मल स्किन ऑयल स्किन मैंने खाली क्षीर यूज करें ठीक अच्छे आउ फैट वाला क्षीर टी यूज करेंगे जब पूरा फैट न तो आप स्किन का मॉइश्चराइज भी करेंगे अल्प टे मलाई वाला क्षीर कंचा क्षीर जो थी कि घी अंश थाए बाहरी न थाए आपटा को यूज करेंगे एत बढ़िया कम सांग मैंने क्षीर मुझ कौन कहि आप क्षीर यूज कर सब आईब्रो में लगे कारण क्षीर द्वारा आप आईब्रो ग्रोथ भी बहुत इम्प्रूव होता है आपंकर आईब्रो जब झड़ जाऊ तो से आपको जब क्षीर लगे तो आईब्रो ग्रोथ आपर भल हे आखि तल जब कला थी ताकि दूर रिंकल्स फाइव लाइट जब थी ताकि दूर हो कहीं हम कहीं क्षीर में लैक्टिक एसिड अच्छी जहाँ कि आपंक स्किन को लाइट एंड ब्राइटेन करा छड़ा क्षीर सबुठ भल मॉइश्चराइजर काम करते हैं आपड़ बाहर जब मार्केट देखिए तो आपको बहुत सारा मॉइश्चराइजर मिले जो थे कि मिल्क मिल्क थी मिल्क वाला मॉइश्चराइजर बहुत आपको मिले ये शीत दिन यूज करने जो थी कि बहुत बढ़िया कितु आप घर के क्षीर लगे आप घर जब क्षीर आंथे पत्र गोटे चामच बा दुई चामच आपम होते बढ़िया क्षीर आपड़ पूरा शीत दिन सारा सांग मैंने क्षीर यूज करूँ फेस वाश भाव यूज करेंगे फेस पैक भाव यूज करेंगे खाली क्षीर भी लगे फेस को धोईपारे आ मोस्ट आप जो रात शोक जाऊँच पूरा फेस को आपन जदि बहुत अपरिष्कार अच्छे आप फेस रे बा मेकअप अच्छी ताको रिमूव कर सारे फेस को पूरा क्लीन कर ने फेस वाश भी जब आप मार्केट फेस वाश यूज कर किसी कथा नहीं आप यूज कर पूरा फेस को क्लीन कर ने अल्प क्षीर आनी जब ड्राई स्किन तो मलाई वाला क्षीर यूज करेंगे जदि नर्माल स्किन आपर अएल स्किन तो खाली क्षीर आनी फेस भल से पूरा मसाज करने लगे ने 5-10 मिनट रखिए और धोने देखिए आपण स्किन ये ग्लो आसो कि आप पूरा आश्चर्य हो एत बढ़िया सांग मैंने तो क्षीर सबुठ बहुत भल आकि आप घरे समस्त घरे आमको आराम से मिल जाव तो आप क्षीर निहाती यूज करेंगे यही शीत दिन क्षीर को यूज कर देखते देखिए केत बढ़िया रेजल्ट आपको मिले जदि आप स्किन कलर टी कम अच्छी आप गोरा हाँ को चाहूँगी तो क्षीर मस्ट आपड़ आप्लाय कर सब फेस लगातु जोकोसी उपाय हो जदि भी किसी ना खाली क्षीर को लगे छाड़देवे छुआ मैंने भी यह यूज करेंगे किसी असुविधा ना मानने वर्षक छुआ भी यूज करेंगे कह तो छुआ हो बड़ मनुष्य हूँ समस्ते समस्ते टीनेजर मैंने समस्ते क्षीर को यूज करेंगे बहुत ही बढ़िया देखते क्षीर में बहुत सारा रेमेडी मुझे सहित आगुरी सेयार भी करी आगे भी सेयार करी आज तो आम केवल फेस वाश कथा होपर आम फेस को क्लीन करवा तो से आज आप फेस को क्लीन कर देखी तो यहपर फेस को आप देखते भले से पूरा क्लीन करने क्षीर में एवं 5-10 मिनट पाई जी समय आप समय अच्छी तो यहपर छाड़ी ने जदि आप गृहिणी अच्छा घर जब रोषवास कर रातर जिते आम कर तो यहपर भले से क्षीर को लगे ने छाड़देवे और सब कम कर सारे तापर फेस को धोईने देखिए आप स्किन के सफ्ट स्मूथ रोक आपण स्किन के बढ़िया ग्लो आसो तो देखो क्षीर को यहीपर लगे ने लगेदे 5-10 मिनट छाड़देवे और धोईने।
एबे कहबे कि आम पाखे कटन प्याड ना तो आम क्षीर को किपर यूज करूँ तो किसी कथा ना आप अल्प टिके क्षीर ने हाथ में मुझे बाउल आपको देखे किसी दरकार नहीं हाथ में अल्प टिके आज क्षीर आने फ्रेस देखते यहीपर भलसे सबुआ पूरा भलसे आप मसाज करदे केते क्षीर लगे मात्र गोटे रू दुई चामच क्षीर लगे जदि कटन प्याड ना तो चिंता ना यहीपर देखते भलसे फेस को यहपर क्षीर से धोने तो आपड़ शुणी आगे राणी मैंने कौन करते आगे राणी मैंने जो राजा राणी मैंने थे तो किसी क्रीम नाला तो से कौन करते से क्षीर से गाधोले क्षीर से मुह धोते तो आपत भी से हीपरी क्षीर से आज मुह धुतु देखिए आपण स्किन केते ग्लो आसो आपड़ पूरा राणी पर देखा जाए तो देखो यहीपर फेस को आप क्षीर ही मतलब भलसे पूरा मसाज करने तो क्षीररा क्षीर यहपर गोटे बा दुई चामच क्षीर लगे बेसी मोटे भी लगे नहीं तो भलसे पूरा मसाज करने आईब्रो रे मसाज करने आखि तले भलसे मसाज करने भलसे पूरा मसाज करने बुकरी भी मसाज करने जो भी आप चाहिए हाथ में भी सबुआड़े पूरा भलसे आपको लगे पारे क्षीर को जहाद्वारा आप स्किन ग्लो आसो आप स्किन बहुत सुंदर बनब किसी कथा ना किसी कटन प्याड धुंजर किसी हाँ दरकार ना चिंता करार किसी ना तो यहपर देखते क्षीर से यहपर हाथ भलसे मसाज करने फेस को आप फेस या पांच दस मिनट छाड़देपर धोने तो कौन असुविधा है किसी ना कटन प्याड न हो तुला भी न हो आप हाथ में भी यापर क्षीर को यूज करेंगे ठीक अच्छे तो ये देखो मुझ फेस को आपको धोईकी देखा तो तीनो जाक फेस वाश मुझे सहित आज सेयार कली कि सबुठ अधिक ग्लो आप कौन देखुन देखो सामने नेचुराल जिनस देखो क्षीर से सबुठ आप अधिक ग्लो फ्रेस फेस देखा जा फेस के सुंदर देखा जा मात्र गोटे यूज्रे आदि आप कंटिन्यू करेंगे भावतु आपंक स्किन के ग्लो आसो आपंक स्किन धीरे धीरे के गोरा हे रिंकल्स फाइव लाइन रोब बहुत बढ़िया अमेजिंग मोर बहुत फेवरेट कंचा क्षीर अएल स्किन वाला भी यूज करेंगे ड्राई स्किन वाला भी यूज करेंगे आर सेनसीट भी स्किन किसी भी सुट करें से भी क्षीर यूज करेंगे पूरा नेचुराल जिनस बहुत ही बढ़िया आपण मैंने यूज करेंगे यहाँ तो सांग मैंने आज आम देखिले फेस वाश जहाँकि फेस को आपड़ किपर क्लीन करें यही शीत दिन घरे बिल्कुल नेचुराल उपाय पूरा होम रेमेड जहाँकि आप स्किन को शीत दिन भी आहरी अधिक रू अधिक गोरा आहरी अधिक रू अधिक सुंदर और ग्लोइंग फेयर बनइब बहुत ही बढ़िया गोटे रेमेड आपति पसंद आस जानी तो सांग मैंने यह आज भिडियो आई होप आज भिडियो आप बहुत बहुत पसंद आस जदि भिडियो भल लगी है तो लाइक टे करने को मोटे भी भूलें कारण आपंक लाइक मतलब बहुत भल लगी है आपंपाई नुआ नुआ भिडियो जानापी आपड़ जदिंत मो चेल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनी कारण आपने सब्सक्राइब करेंगे जिते भी मुझे जो नुआ भिडियो अपलोड करी आपखे पहुँची पार ठीक अच्छे तो सांगे पुणी देखा आउ एक नेक्स्ट भिडियो में बहुत एक बढ़िया बढ़िया भिडियो आपड़ जब किसी टपिक भिडियो देखा चाहूँगी प्लीज मत कमेंट करेंगे और किसी कथा जो जानवाक चाहूँ प्लीज मत कमेंट करेंगे तो सांगे पुणी देखा आउ एक नेक्स्ट भिडियो से पर्यटन रोचे नमस्कार।